अब दोस्तों जिसको बोलने की इतनी आदत हो, जो नॉन स्टॉप बोलता रहता हो, उसको बेचारे को चुप रहने के लिए बोले तो क्या असर होता है? ये व्हाइट बोर्ड बहुत काम आता है। जब से आए तब से लिखे ही जा रहे हैं नॉन स्टॉप। आ जाओ, अभी बैठ भी जाओ थोड़ी देर, प्लीज सर, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बैठ जाओ थोड़ी देर। हाँ मैं देती हूँ आपको, आप बैठ जाओ। गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू? इनकी सूजन तो देखो पड़ गई है बहुत गंदी तरीके से, इज नॉट एबल टू टॉक, और इनफैक्ट इनका पेन शुरू हो गया है अभी। अभी सर अकेले अकेले आप क्या पी रहे हो? ओ आपका फेवरेट दूध, क्या बात, बट इस बार सादा राइस। उनको फिर गोली भी लेनी है तो जस्ट एज स्टार्ट ही इज हैविंग दिस स्मोक। बेचारे रात को सो भी नहीं पाए, इतना अनकम्फर्टेबल फील हो रहा था बिकॉज जॉज जो है वो एक दूसरे को, मतलब अंदर के जो पोर्शन है वो एक दूसरे को टच भी नहीं कर रहा है, बहुत अनकम्फर्टेबल अनइजीनेस महसूस कर रहे हैं, इसीलिए कल रात को सो भी नहीं पाया ठीक से, क्या कह सकते। बट डॉक्टर ने बोला ही था कि इट वुड टेक 2 to 3 days ऑन द नॉर्मल काम नॉर्मल स्टेज। और हमारे वृष्टि मैडम एज यूजुअल ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। हे मॉर्निंग। ओ मां, एक बात बोलू, बुरा नहीं लगा ना, आपका गाल है ना ऐसा लग रहा है जैसे वो प्रेग्नेंट हो गया। सीरियसली पूरा फूल गया है ऐसे, सीरियसली जैसे हम यू नो, देखो नजदीक से मैं आपको दिखाती हूँ। सीरियसली यार, आई कांट सी यू लाइक दिस, गेट वेल सून मामू। ये ना हमारे आशु जी पूरे दिन आईने में देखते रहते हैं खुद को कि मैं कैसा लग रहा हूँ कैसा लग रहा हूँ, कब ये सूजन अंदर चली जाएगी और कब मैं प्रेगनेंसी से बाहर निकल जाऊंगा। Wait for it. Here it comes. कल रात को तो दमशरद खेलने में बहुत मजा आया ना, सो आपको लग रहा होगा कि दमशरद क्यों, बट क्या है कि आशु बात कर नहीं सकते तो वो इशारे में ट्राई कर रहे थे मुझे समझाने के लिए, तो वी वर प्लेइंग दमशरद इन दैट वे। जैसे आप कुछ समझाओ, उस दिन क्या हुआ था राजकोट से हम लोग आ रहे थे, आप बोल नहीं रहे थे कुछ, तो क्या हुआ था? आप गाड़ी चला रहे थे, ओके। आप कुछ बोल नहीं रहे थे, ओके। मेरा सिर चला गया तो सिर दर्द होने लग गया। वाओ, ओके, सही में एक्चुअली, बिकॉज सब लोग नॉर्मली ऐसा होता है कि अगर हस्बैंड बात नहीं करते हैं तो वाइफ को रिलैक्स लगता है, बट मेरा उल्टा है, इनकी बकबक सुनने की इतनी आदत हो गई है मुझे कि अब मैं ये थोड़ा सा भी शांत रहता है ना, हाँ एग्जैक्टली आपकी बकबक, तो जब भी ये शांत रहता है ना तो आई कांट बैर इट, अभी इतना यूज टू हो गई हूँ मैं इनकी बकबक से, तो मुझे लिटरली हेडेक होना शुरू हो जाता है जब ये शांत रहता है, तो मुझे नहीं पता मैं 7 दिन कैसे निकालूंगी इनकी बकबक सुने बगैर। अब दमशराज भी कितना खेलूं यार मैं इनके साथ। गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू आवर व्लॉग, पारिक व्लॉग्स। दोस्तों वैसे आज का क्लाइमेट मौसम बहुत अच्छा है, कुछ अलग ही मौसम है, ठंडा पवन आ रहा है, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम अहमदाबाद में ठंडी हवा मिलना, इट्स लाइक यू नो वाओ, लेट्स सी, शायद बारिश होने की तैयारी है। हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, एक्चुअली गुड आफ्टरनून। सो अभी लंच तैयार है एंड बाहर का मौसम बहुत ही मस्त है,
बारिश का मौसम है, लेकिन अभी बारिश तो हुई नहीं, कल रात को हुई थी। तो दोस्तों आज का हमारा खाना तैयार है। अनफॉर्चुनेटली ये आज इस बार खाना अलग अलग होगा, ये हमारा खाना है और ये आशु का खाना है, बिकॉज़ उनको खाने के लिए मना किया है, तो ही विल ओनली हैव लिक्विड फूड्स। तो ये दाल बनाई है उनके लिए, उनकी फेवरेट छाछ तो है पर वो नहीं पी सकते, सो सैड है ना। कोई बात नहीं, हम लोग जल्दी अभी 5 दिन में सब ठीक हो जाएगा, स्टिचेस खोल देंगे एंड देन यू विल बी फिट एंड फाइन। नहीं है ना वृष्टि, क्या कहना है तुझे? सही बात है। चलो ठीक है, तो हम लोग ये फटाफट खाना ख़त्म कर लेते हैं, बिकॉज आशु की दाल ख़त्म होने से पहले आई थिंक हम खाना ख़त्म कर ले ताकि उनको ज़्यादा इच्छा ना हो। चलो सी या। हाय एवरीवन, वी आर बैक अगेन। एक्चुअली हम लोग अभी आशु को दिखाने जा रहे हैं, दिस इज जस्ट चेकअप, नॉर्मल चेकअप कि भाई कल जो स्टिचेस लिए थे एवरीथिंग इज़ फाइन देन दैट, उसमें कुछ इशू नहीं है ना, एक वो देखने के लिए एक बार आज रूटीन चेकअप में जा रहे हैं। आई नो ही इज स्ट्रगलिंग है कि एनीथिंग, इतना इरिटेशन होता है, पेन होता है, ही इज सो हंग्री, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ लिक्विड और ठंडे के अलावा और कुछ ज़्यादा खा नहीं सकते वो। सो लेट्स सी, आज डॉक्टर को वो भी पूछ लेंगे इफ बनाना शेक एंड एवरीथिंग इज़ फाइन, बिकॉज खट्टे की भी मनाही है, तो लेट्स सी। आशू का मैंने बोला उनको इतना पेन हो रहा है, मैंने मना किया कि हम लोग बाइक पे नहीं जाएंगे, हम लोग चल पे जाते हैं या तो ऑटो में चलते हैं, पर नहीं, इसको पेन बहुत अच्छा लगता है। कभी देखा है, कभी सुना है ऐसा? तो यहाँ हम लोग पहुँच गए हैं क्लिनिक, ये दातनू दवा खानू जो लिखा है वो, चलिए देखते हैं आज डॉक्टर क्या बोलते हैं उनको। आई होप एवरीथिंग इज फाइन, स्टिचेस में कुछ प्रॉब्लम ना आया हो, लेट्स सी। वेटिंग फॉर अ राउंड टू स्टार्ट, अंदर शायद कोई सर्जरी चल रही है, सो डॉक्टर इज इनसाइड, हम लोग बाहर वेट कर रहे हैं। इनका सूजन तो देख, चेहरा ही जैसे बदल गया हो, कांट सी हिम लाइक दिस। ओए गड़बड़ सुन, अभी हम लोग होके आए हैं, डॉक्टर ने बोला है कि थिंग्स आर फाइन, स्टिचेस जो लिया है वो भी नॉर्मल है, हाँ सूजन थोड़ी ज़्यादा है कंपैरेटिवली जितनी होनी चाहिए उससे, बट दैट डिपेंड्स फ्रॉम बॉडी टू बॉडी। और इनका इनफैक्ट इतना थोड़ा सर्जिकल लेवल पे ज़्यादा था, बिकॉज़ बोन को थोड़ा घिसा था, बिकॉज उनका टूथ जो था नीचे से, जो उसका रूट था वो दूसरे टूथ के नीचे चला गया था, सो इट वॉज अ बिट डिफिकल्ट सर्जरी, तो उसकी वजह से 2-3 दिन तक रहेगा। अगैन वी हैव टू कम ऑन फ्राइडे मॉर्निंग फॉर दिस चेकअप, लेट्स सी। बाकी तो कोई इशू नहीं है, एंड देन ही कैन टेक लाइट एंड लिक्विड फूड, सो दैट्स ऑल्सो वन थिंग गुड, एंड प्रोबेबली विल स्टार्ट टुमारो शीरा एंड वो सब, सो वी विल रिकवर।